जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल झोरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। दोस्तों आज हम आपके लिए कोई अनबॉक्सिंग तो लेकर नहीं आए, बट आज आपके लिए बहुत एक हेल्पफुल वीडियो लेकर आए हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम 15,000 के अंदर 5 बेस्ट स्मार्टफोन लेकर आए हैं जो आपको फ़ोन लेते समय यूजफुल फायदेमंद होगी, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और आप आसानी से फ़ोन परचेस भी कर सकेंगे। अगर आप एक नॉर्मल यूजर्स हैं, थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं और ज़्यादा ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट फ़ोन हो सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पहले फ़ोन के बारे में देखते हैं कौन सा पहला फ़ोन है। दोस्तों पहला फ़ोन है पोको M3 Pro 5G, जो कि दोस्तों आपको 14,000 के आसपास मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसमें रैम बहुत कम दिया गया है, 4GB का ही रैम है और 64GB इंटरनल मेमोरी कार्ड है, और जो कि इसमें 1TB तक आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही इसमें ऑक्टाकोर 2.2 का प्रोसेसर दिया गया है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का इसमें आपको चिपसेट देखने को मिलेगा। दोस्तों बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले 6.5 इंच की है और 405 PPI IPS LCD आपको देखने को मिलेगी दोस्तों इसमें। तो 90Hz इसका रिफ्रेश रेट है, जो कि अभी प्रीमियम फ़ोन आते हैं उनमें भी अभी 90Hz का रिफ्रेश देखने को मिल सकता है। बात की जाए दोस्तों इसकी कैमरे की, तो कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल +2+2 का आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलेगा और डुअल LED फ्लैश के साथ मिलता है ये दोस्तों, और 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा भी देखने को मिल जाएगा फ्रंट। बात की करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी दोस्तों इसको इसकी आपको 5000mAh की मिलेगी दोस्तों की, जबकि हालांकि अभी 6000-7000mAh की बैटरियाँ देखने को मिलती हैं। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, साथ ही टाइप सी का आपको चार्जर मिलेगा। बात करते हैं दूसरे फ़ोन की, तो दोस्तों दूसरा फ़ोन निकल के आ रहा है मोटो G40 फ्यूजन, जो कि 14,000 के आसपास आपको मिल जाएगी अप्रोक्स। अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो जो डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं वो उसके साथ अप्रोक्स आपको कहीं कहीं ज़्यादा भी डिस्काउंट मिल जाता है, तो 500 या 1000 रुपये तक का भी भारी डिस्काउंट मिल सकता है आपको ऑनलाइन में, और मार्केट में ऑनलाइन से भी सस्ते मिल जाते हैं, 500 रुपया 200 रुपया सस्ते होते हैं दोस्तों। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह चेक कीजिए, उसके बाद ही फ़ोन लीजिएगा। बात की जाए दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की, तो ऑक्टाकोर 2.3 GHz का डुअल प्रोसेसर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट देखने को मिलेगा आपको, और साथ ही 4GB और 64GB का वेरिएंट है ये दोस्तों। डिस्प्ले की बात की जाए 6.8, धीरे धीरे ये मोबाइल की डिस्प्ले अब टैबलेट जैसी होती जा रही है, यानी कि टैबलेट ही हो रही है धीरे धीरे। 6.8 इंच का इसका डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही बड़ा है, यानी कि ये बात तो सही है कि आप जब कोई वीडियो या कोई मूवी या कोई गेमिंग कर रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसकी जो क्लियरिटी है प्लस जो इसकी पिक्सल्स है वो पिक्चर्स हैं वो बड़ी दिखने को मिलेगी, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। साथ ही दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है ये IPS पैनल है, 395 PPI का LCD डिस्प्ले है, एमुलेट नहीं है दोस्तों, और 120Hz का इसका रिफ्रेश रेट है, जो कि अभी तक की बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों 395 का इसका IPS LCD आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए कैमरे की दोस्तों, तो ट्रिपल कैमरा स्लॉट के साथ आता है, 64+8+2 के ट्रिपल कैमरा स्लॉट है ये, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है इसका। और बैटरी की बात करें तो 6000mAh की बैटरी दी जाती है टर्बो पावर चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, वाकई बहुत अच्छी बात है ये, टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल रहा है, टाइप सी जो कि अभी नॉर्मल हो चुकी है टाइप सी। तो अगला फ़ोन है दोस्तों Realme 9i, ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, 464 का इसका वेरिएंट है, 13,999 यानी कि 14,000 के आसपास ये आपको पड़ेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ सस्ता मिले वहीं से लपेट लीजिएगा। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो ऑक्टाकोर 2.2 GHz डुअल कोर प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा, और स्नैपड्रैगन 680 का इसका प्रोसेसर है, चिपसेट है। और डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.6 इंच की इसकी डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले है, हालांकि सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले देता है और ये IPS डिस्प्ले देते हैं, इसका कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। बट दोस्तों भले ही IPS डिस्प्ले हो पर इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, जो पंची कलर से, वो आपको भरपूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं दोस्तों खुद Realme 8i यूज़ करता हूँ, और अभी जो इस वीडियो आप जो वीडियो देख रहे हैं ये Realme 8i के IC शूट किया गया है। दोस्तों बात की जाए इसके रिफ्रेश रेट की, तो 90Hz का रिफ्रेश रेट है, हालांकि Realme 8i में 120 का रिफ्रेश रेट दिया गया है, और इसमें 90Hz जो भी हो, पर ये भी फ़ोन बहुत अच्छा है, नॉर्मल जो अगर आप यूज़र हो, नॉर्मल गेम खेलते हो तो ये आपके लिए बेस्ट फ़ोन है।
बात की जाए इसकी कैमरे की, तो 50 मेगापिक्सल +2+2 ट्रिपल कैमरा स्लॉट के साथ ये मिलेगा, LCD फ्लैश साथ, और साथ ही फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा। बैटरी दोस्तों आपको 5000 mAh की मिलेगी, 5000 तो हालांकि नॉर्मल हो गए हैं, एक दिन आपका निकाल देगा। भले कंपनी क्लेम करती है को 1.5 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, बट मेरी गारंटी है एक दिन चलेगा अगर आप दबा के यूज़ करोगे तो। और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा दोस्तों इसमें, सी टाइप चार्जर नॉर्मल। अगली दोस्तों बात की जाए तो 15000 के आसपास है Xiaomi Redmi Note 10T, ये भी हाल ही अभी लॉन्च हुआ है, 4/64 का ये वेरिएंट है दोस्तों, ऑक्टाकोर 2.2 GHz प्रोसेसर, जो कि हालांकि अभी इस रेंज में तो 6GB 128GB का भी वेरिएंट देखने को मिलता है। MediaTek Dimensity 700 का इसका प्रोसेसर रहेगा। और बात की जाए दोस्तों इसकी डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच की इसकी डिस्प्ले है और 405 BPI LCD पैनल है, हालांकि इस रेंज में एमोलेड डिस्प्ले तो देना चाहिए था दोस्तों। 90Hz का रिफ्रेश रेट जो कि अब सारे फ़ोन में लगभग मिलते ही हैं। और बात की जाए कैमरे की तो दोस्तों 48+2+2 ट्रिपल कैमरा स्लॉट, LCD फ्लैश और 8 MP फ्रंट कैमरा, हालांकि इसमें फ्रंट कैमरा थोड़ा कम दिया गया है। बात की जाए दोस्तों इसकी बैटरी की, तो बैटरी इसको 5000 mAh फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और साथ ही USB केबल, और हाँ दोस्तों 5G सपोर्टिंग भी है ये। बात की जाए दोस्तों आखिरी और लास्ट फोन की, जो कि है Moto G51 5G। हालांकि दोस्तों मैंने मोटो के दो फोन इसमें शामिल किए, क्योंकि दोस्तों मोटो जो अभी अपने सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है वो बहुत ही बेहतरीन कर रहा है। सारा फोन है Moto G51 5G दोस्तों, ये आपको 15000 के आसपास मिलेगा। वही बात बाज़ार में भी पूछ लीजिएगा, ये ऑनलाइन आपको 15000 के आसपास देखने को मिलेगा, बाज़ार में 500 रुपया या 200 रुपया कम भी हो सकता है। बात करें दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की, तो ऑक्टाकोर 2.8 GHz का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 480+ का इसका प्रोसेसर है, 5GB 64 का वेरियंट है ये दोस्तों, और 6.8 इंच का डिस्प्ले है इसका, और दोस्तों 120Hz का इसका रिफ्रेश रेट है। बात कीजिए कैमरे की, 50+8+2 का ट्रिपल कैमरा स्लॉट है दोस्तों इसका, LED फ्लैश के साथ दोस्तों, साथ ही फ्रंट मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल का है। बात की जाए दोस्तों बैटरी की, तो 5000 mAh की इसकी बैटरी है, रैपिड चार्जर है, साथ में ये सी टाइप पोर्ट जो कि हालांकि भी नॉर्मल है। तो दोस्तों ये थे वो 5 फोन जो आप अभी के टाइम पे नॉर्मल यूज़र हैं और ज़्यादा गेमिंग वगैरह ये सब नहीं करते, तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद निकाला है, बहुत ही टटोले बटोले फ़ोन। अभी हालांकि बहुत सारे नए नए फ़ोन आ चुके हैं, दे धनाधन मार्केट में फेंके जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा फ़ोन ले या कौन सा फ़ोन ना ले। तो दोस्तों ये थी वो 5 फोन जो आप 15000 के अंदर में ले सकते हैं। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्पफुल हो ये वीडियो देखने के बाद, अगर वो भी नया मोबाइल लेना चाहते हो तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।